नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, वो गाइडलाइन में क्या क्या लिखा है चलिए देख लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और वो ठीक हो चुका है तो उसको जो वैक्सीन लगेगी वो 3 महीने के बाद लगेगी। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जो भी महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं वो जाके अपना वैक्सीनेशन करा सकती हैं। अभी तक किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए वैक्सीनेशन की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए आपको पहली डोज लग गई है और उसके बाद आप कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो आपको जो दूसरी डोज लगेगी वो ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी। अगर आप वेंटिलेटर से ठीक होकर वापस आते हैं तो आपको जो वैक्सीन लगेगा वो 4 से 8 हफ्ते बाद ही लगेगा। कुछ अदर गाइडलाइंस को भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो आप 14 दिन बाद रक्तदान कर सकते हैं। सेम वही कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति अगर वैक्सीन लगवा चुका है, पहली या दूसरी डोज लगवा चुका है, तो वो अपना रक्तदान 14 दिन के बाद ही करेगा। किसी भी व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में भर्ती है और वो सही होकर वापस आता है तो वो अपना क्या करेगा, टीकाकरण 3 महीने बाद ही करवाएगा। वैक्सीनेशन से पहले किसी भी व्यक्ति को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये है कुछ गाइडलाइन जो सरकार द्वारा दी गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।